वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, हाजिर हूँ आपके लिए स्वीट टूथ के फिफ्थ एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं स्वीट टूथ का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एपिसोड को ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो पहले आप वो सब एपिसोड देख लीजिए, नहीं तो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं एपिसोड फिफ्थ की। सो वॉच आउट स्पॉइलर अहेड एंड हैव फन। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि डॉक्टर आदि का घोड़ा नैन्सी को किक कर देता है और नैन्सी की वहीं स्पॉट डेथ हो जाती है। फिफ्थ एपिसोड के पहले सीन में हम डॉक्टर बेल को देखते हैं जो डॉक्टर आदि की सीनियर थी, वही डॉक्टर बेल जिसकी जगह डॉक्टर आदि को मिला है। डॉक्टर बेल अपने घर पर होती है और घर पर गाना सुन रही थी। वो अब अपने काम से रिजाइन देकर मस्त अपनी जिंदगी जी रही थी। तभी डॉक्टर बेल का दरवाजा पर कोई नॉक करता है। डॉक्टर बेल जैसे ही गेट को ओपन करती है, गेट पर जनरल एबट होता है। थर्ड एपिसोड के लास्ट में जनरल एबट को एक मिलिट्री ने कहा था सी हैज़ बिन फाउंड, शायद वो डॉक्टर बेल के बारे में बता रहे थे। खैर, डॉक्टर बेल जनरल को देखकर काफ़ी घबरा जाती है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि जनरल एबट अपने पूरे मिलिट्री के साथ उसके घर क्या करने आया है। जनरल डॉक्टर बेल को बताते हैं कि मैं जानता हूँ तुम झूठी बीमारी का बहाना लगाकर लैब से काम छोड़ दियो, तुम्हें कोई कैंसर नहीं है। जनरल एबट डॉक्टर बेल से पूछते हैं कि वो बुक कहाँ है जिसमें तुमने वायरस के क्योर के बारे में रिसर्च किया है। डॉक्टर बेल बता देती है कि वो बुक मैंने डॉक्टर आदि को दे दिया है जो मेरी जगह पर आया है। जनरल ये बात पूछकर बाहर आ जाती है। जनरल अपने आदमियों से कहता है कि जाओ जाकर डील करो। फिर जनरल के आदमी कुछ इंजेक्शन लेकर डॉक्टर बेल के घर में जाते हैं। तभी डॉक्टर बेल की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जनरल के आदमियों ने उसके साथ क्या किया, उसे मार दिया या टॉर्चर किया, ये सीरीज में नहीं बताया गया है। खैर, नेक्स्ट सीन में गस और बिग मैन को दिखाया जाता है जो एनिमल आर्मी के यहाँ से भागे थे। बिग मैन गस को कहता है कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। गस रिप्लाई में बोलता है कि इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। और तो अभिशाप बराबर, बिग मैन गस को कहता है कि एक और बात, अब मैं भी तुम्हारे साथ कोलोराडो जाऊँगा तुम्हारी मॉम को ढूंढने। ये सुनकर गस काफ़ी खुश हो जाता है और बिग मैन गस को हग करता है। फिर गस और बिग मैन वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं रास्ता ढूंढने के लिए, क्योंकि दोनों जंगल में फंसे हुए थे। तभी गस को बियर दिखती है जो कि एक पेड़ पर बैठी हुई थी। बियर कहती है कि मैं भी तुम दोनों के साथ जाऊंगी। बियर गस से कहती है कि मेरी तरफ से जो भी हेल्प होगा तुम्हारी मॉम बर्डी को ढूंढने में, मैं वो करूंगी। बियर गस को कुछ कागज़ देती है। वो कागज़ आधा फटा हुआ था जिस पर गोग्रो लिखा हुआ था जो कि कोलोराडो में है। बियर कहती है कि शुरू करने के लिए इतना काफ़ी है। ये कहकर बियर कहती है हमें ट्रेन की तरफ चलना चाहिए। तो बिग मैन कहता है कि ट्रेन यहाँ नहीं आती है। बियर फिर से कहती है कि ट्रेन यहाँ आती है, बस रुकती नहीं है। इसलिए ये सुनकर तीनों, गस, बियर और बिग मैन ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। गस काफ़ी एक्साइटेड होता है। वो आगे आगे दौड़ रहा था क्योंकि उसे अपनी मॉम को मिलने की खुशी थी। रास्ते में बियर गस से पूछती है कि तुम अपनी मॉम के बारे में क्या सोचते हो। तो गस कहता है मेरी मॉम मुझे बहुत ढूंढ रही होंगी, बस मेरी मॉम की मेरी तरह हॉर्न यानी सिंग नहीं होंगे। ये सुनकर बियर हंसने लगती है। यहाँ पर बिग मैन इंटरप्ट करता है और बियर की कुछ बात से डिसएग्री करता है, जिससे दोनों आपस में बहस करने लगता है। गस दोनों को काफ़ी मना करता है कि तुम दोनों प्लीज़ झगड़ा बंद करो। फिर तीनों आगे बढ़ते हैं ट्रेन के लिए। रास्ते में बियर बिग मैन से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है गस की मॉम अभी भी जिंदा है। ये सुनकर बिग मैन बियर को चुप कराता है ताकि गस ये बात सुन ना ले। एज यू नो कि गस एक डियर हाइब्रिड है और डियर की सूंघने की ताकत काफ़ी स्ट्रांग होती है। बिग मैन बियर से कहता है कि इस बच्चे की हर बात उम्मीद से भरी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि इसकी मॉम अभी भी जिंदा है। फिर बियर बताती है कि नॉर्थ में अभी भी कुछ टीम है जो हाइब्रिड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिनको वो ज्वाइन कर लेगी। खैर, रास्ते में एक घाटी आती है जिसका नाम है दुखों की घाटी। बेसिकली जितने भी लोग वायरस
वायरस से इन्फेक्टेड होकर मरे हैं उन्हें वहाँ दफनाया गया है और वहाँ पर जितने भी फूल उगे हैं वो सब फूल इन्फेक्टेड है। एंड आई थिंक कि सेम ऐसा ही फूल डॉक्टर आदि के घर के बाहर भी था, पता नहीं ऐसा क्यों था। फिर से बियर कहती है कि हम सबको यहाँ से बहुत बच बचा कर और संभल कर निकलना है। इस वैली को पार करने के लिए एक रस्सी का ब्रिज होता है, वो भी टूटा फूटा होता है, जिस ब्रिज से सिर्फ बियर और गस ही जा सकता था। लेकिन बिग मैन नहीं निकल सकता क्योंकि बिग मैन का वेट वो ब्रिज नहीं झेल सकता। ये देखकर बिग मैन बियर पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम जानबूझकर ऐसे रास्ते से लाई हो ताकि मैं यहाँ फंस जाऊँ और तुम और गस चली जाओ। इसी को लेकर दोनों बहस करने लगते हैं और इसी बीच गस अकेले ही ब्रिज पार करने चला जाता है। ये देखकर बिग मैन और बियर गस को वापस बुलाने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन गस आगे बढ़ता ही रहता है और उस दुख की घाटी में गस गिर भी जाता है जहां इन्फेक्टेड लोगों को दफनाया गया है। नेक्स्ट सीन में हमें एमी को दिखाया जाता है। एमी एक रेडियो स्टेशन चलाती है जिसमें वो लोगों से कहती है कि आपके पास कहीं कोई भी हाइब्रिड बच्चा है तो आप मेरे पास छोड़ सकते हैं, आगे उस बच्चे का ख्याल मैं रखूंगी। और यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि एक आदमी एमी से उसका लोकेशन पूछता है। एमी लोकेशन बताने से मना करती है, शायद वो आदमी लास्ट मैन का टीम मेंबर था। लेकिन हम बॉबी के गले में एक रिबन देखते हैं, शायद वो रिबन लास्ट मैन ने ही लगाया है। वैसा ही रिबन एमी के जू के बाहर भी लगा हुआ था। तो यहाँ पर एमी के लोकेशन के बारे में लास्ट मैन को पता चल गया है। सिंपली हंटर को पता चल गया है कि एमी के पास भी हाइब्रिड है। अब हम गस को देखते हैं जो दुखों की घाटी में गिर गया है। वहाँ गस को एक सपना आता है जिसमें वो अपने फादर यानी पापा को देखता है, जिसमें पापा कहता है कि आगे का सफर तुमको खुद ही तय करना है। और उसी सपने में एक शीशा होता है जो टूटने वाला होता है, तभी उसमें जनरल एबर दिखता है। खैर बिग मैन और बियर गस को दुखों की घाटी से बचा लेती है। दोनों अपने बॉडी को फुल कवर करके जाती है ताकि उनको वायरस से इन्फेक्शन नहीं हो। गस बेहोश होता है लेकिन कुछ देर के बाद गस को होश आता है, जिससे बिग मैन और बियर को खुशी होती है कि वो जिंदा है। और यहाँ पर एक क्यूट सीन आता है जिसमें गस बिग मैन और बियर को आपस में दोस्त बनवाता है ताकि अब वो दोनों आगे आपस में झगड़ा ना करें। अब वापस आते हैं डॉक्टर आदि पर। आदि के पड़ोसी रानी के बारे में पूछ रहे थे कि मैंने कई दिनों से रानी को नहीं देखा है, वो ठीक तो है? जिसके जवाब में डॉक्टर आदि कहता है रानी पूरे दिन घर को सैनिटाइज करने में बिजी रहती है। डॉक्टर आदि को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि उसके लिए लैब में डिलीवरी आया है। डॉक्टर आदित्य लैब जाने लगते हैं तो साथ में उनकी वाइफ रानी भी जाती है। वहां डॉक्टर आदि को पता चलता है कि अब हाइब्रिड बच्चे ख़त्म हो गए हैं, जिससे वैक्सीन बनाना भी मुश्किल हो गया, यानी कि अब डॉक्टर आदि की वाइफ रानी की जान अब खतरे में है। एज वी नो कि नैन्सी की डेड बॉडी को भी डॉक्टर आदि ने लैब के फ्रीजर में छुपा कर रखा था। अब यहाँ पर होता ये है कि डॉक्टर आदि के सब नेबर वहाँ आ जाते हैं और सब लोग आदि से पूछते हैं कि उस फ्रीजर में क्या है। और यहाँ पर सब नेबर को पता चल जाता है कि नैन्सी को आदि और रानी ने ही मारा है। और यहाँ पर रानी की लेफ्ट फिंगर भी वाइब्रेट करने लगती है। अब सबको पता चल जाता है कि रानी वायरस से इन्फेक्टेड है। तुरंत ही सब नेबर रानी और आदि को चेयर पर बांध देते हैं, उन्हें आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। और आदि सब नेबर को बोल रहे थे रानी का वायरस फैलता नहीं है, लेकिन कोई आदि की बात नहीं सुनता है और घर में आग लगा देता है। अब आदि और रानी अपने बीते हुए पल के बारे में याद कर रहे थे। सब नेबर दोनों को आग में जलते देख रहे थे, तभी यहाँ होता कुछ ऐसा है कि बाहर गोली के चलने की आवाज़ आती है और वहाँ जनरल एबट पहुँचते हैं। गोली डॉक्टर आदि के नेबर पर जनरल एबट ने चलवाई थी। जनरल एबट दोनों को बचा तो लेते हैं, लेकिन जनरल यहाँ डॉक्टर आदि से वो इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं जो वो डॉक्टर बेल से लेने गए थे। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस सीरीज सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।